स्टेप्स तो रहते हैं ना. आई वॉज द फर्स्ट गर्ल हु टाइड अप दिस ढोल. ये हमारा इंटरेस्ट है, हम खुद के इंटरेस्ट से यहाँ आते हैं. हमें पे करे इस विश से हम नहीं आते. रोज का हेक्टिक शेड्यूल तो है, उसमें से कुछ अलग करना. लड़के के फ्रेंड लोग बोले तुम्हारी मम्मी भी बजाती है, लगती नहीं तुम्हारी मम्मी है करके. तन्वी है, मैं 22 साल की हूँ. मैं सामना ढोल ताशा पतक में वादन करती हूँ और मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है पतक. आई वॉज द फर्स्ट गर्ल हु टाइड अप दिस ढोल ड्यूरिंग एन इवेंट विच वॉज गोइंग ऑन इन सायन. सो इट वॉज माई पॉइंट लाइक यार ये सब लड़के हैं, ढोल बजा रहे हैं, सो वाई नॉट अ गर्ल. मेरा नाम अनिता प्रकाश नाखवा है, 42 ईयर्स की उम्र. स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लगता था, अभी कुछ नहीं. अभी तो ऐसा लगता है चलो अपने को देख ले कि इतना क्राउड आ रहा है तो फिर और एनर्जी बढ़ जाती है. मैं एक्चुअली रहता हूँ नई मुंबई में, मैं इधर ट्रैवल करता हूँ बजाने के लिए, बस हॉबी के लिए. हाँ मतलब स्टीरियोटाइप्स तो रहते हैं ना. मेरे घर से खुद से पहले मतलब अपोज कर रहे थे एक साल की, मत जाओ लड़कियों को, मतलब ऐसे क्या बोलेंगे बाहर वाले, क्या बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे. पर एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम भी जिद करते हैं और नहीं छोड़ते. बहुत ऐसे रिएक्शंस आते रहते हैं मेरे फैमिली मेम्बर से, मेरे कलीग से, एवरीवन जस्ट सेज कि ये भाई तू कैसे कर लेता है. हमारी पसंद है ये, इसलिए हम आते हैं. लाइक हम ऐसे विश भी नहीं करते कि हाँ अभी हमने इतना बजाया तो आप हमें पे करे करके, ये कोई भी लाइक चांस ही नहीं इसका ये सोचने का. पहले तो हम लोगों का एक नासिक बाजा पतक था, जो छोटा ढोल रहता था वो था. वो कम से 2005 तभी मैं भी स्कूल में ही था, तब से ये सब हम लोग बजाते हैं. फिर धीरे धीरे हम लोगों ने वो नासिक बाजा का ज्वाइन करके एक पुनेरी जैसा बनाया, तो एरिया के बहुत लोग थे वो आते थे, उनको भी हॉबी थी वो बजाने का. फिर हमारे जो बड़े थे सीनियर थे उन्होंने हमें हेल्प की, तो पैसे इकट्ठा किए और जो पुनेरी ढोल जो पुणे से आता है वो सब उन्होंने लाने के लिए हेल्प की. फिर पहले 10 ढोल हो गए, फिर 15 ढोल हो गए, फिर जैसे जैसे हम लोग किधर भी बजाते थे तो पैसा इकट्ठा होता था, उससे हम लोग ढोल बढ़ाते गए गए और अभी हमारे पास 100 से 150 ढोल हमारे खुद के हैं. कभी कभी हमारे टोपी रहती है गांधी टोपी, तो जो लुक रहता है वो लोग भी देखने के लिए आते हैं कि किस प्रकार से बजा रहे. हमारी जो विसर्जन की मिररुक रहती है वो एटलीस्ट 6 आवर्स 4 आवर्स ऐसा लंबी लंबी मिररुक रहती है, तो उसमें हमें बजाते हुए चलना भी होता है, तो उसमें स्टैमिना जो है वो ठीक से रख के सब कुछ करना होता है. तो उनको यही बोलते हैं कि आप बजा रहे हो स्टार्टिंग से धीरे से बजाओ, फिर बाद में जैसे जो टेम्पो बढ़ता है उसके हिसाब से फिर जो करना है करो. वी कॉल द वन हु प्लेज ढोल आर नोन एज वादक, वी कॉल देम वादक. सो बेसिकली ये जो कम्युनिटी है कि हु प्लेज ढोल, मतलब ये जो ढोल बजाते हैं, सो इट इज़ जस्ट अ थ्रू लव टू दिस म्यूजिक, टू दिस ट्रेडिशन. एंड ये जो ट्रेडिशन है दिस इज़ प्योरली अ महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से. मतलब वेन ही यूज टू कम विद अ विक्ट्री टू अ फोर्ट और एनी मुगल एम्परर, दिस वॉज द टाइप ऑफ विक्ट्री शोन. लाइक दिस इज़ द वे वी यूज टू शो दैट वी हैव वन. सो दिस ट्रेडिशन हैज़ केम फ्रॉम हिज टाइम, वो टाइम से वो ट्रेडिशन आया है और अभी तक वी आर फॉलोइंग इट. भीड़
होती है, बट जो हमारे साथ जो होते हैं ना, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते। अगर इधर ढोल हम बजा रहे हैं ना, तो साइड से सब ना लाइक ऐसे चैन बना के सब सिक्योरिटी करा, ऐसे शांति से रहते हैं। कोई भी भीड़ अगर आ रही होगी ना, तो उनको आराम से, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स ईजी गोइंग। प्रैक्टिकली ढोल कैसे बांधना होता है वो भी सीखना रहता है, क्योंकि प्रॉपरली अगर टाई नहीं करेंगे ढोल तो पूरा मतलब ये जो हमारा बैकबोन होता है उस पे जाता है प्रेशर। वो भी एक आर्ट है कि कैसे ढोल बांधना है, कैसे वादन करना है, इसलिए डायरेक्ट देते नहीं है, पहले बेसिक सिखाते बाद में ढोल बजाते हैं। उनके ना अलग अलग हाथ रहते हैं, पहला हाथ, दूसरा हाथ। अभी मैं हिंदी में नहीं वो सब कर सकती, क्योंकि आप भी समझ लो पुनेरी पतक है, तो उनका नाम मराठी में ही रहेगा। पहला हाथ, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ, पाँच, छः, ऐसे सात हाथ रहते हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया, आई यूज टू प्ले विद दिस बॉयज, आई वॉज द ओनली गर्ल, एंड लेटर ऑन सीइंग मी प्लेइंग अ ढोल, धीरे धीरे लड़कियाँ आ गए और कि वी ऑल्सो वॉन्टेड टू जॉइन, एंड दिस इज द वे द जर्नी स्टार्टेड एंड अदर गर्ल्स पार्टिसिपेटेड। लड़की, हम लोग सोचते थे कि ये बजाएगी कि नहीं, क्योंकि हमें भी लगता था कि लड़की है, उसका आगे फ्यूचर है, तो ये वेट उठा के उनको भी तकलीफ होती रहेगी। लेकिन वो लड़कियों में भी इतना जोश था ना कि वो हमें बोलते कि हम लोग नहीं बजाएंगे, ऐसा उस हिसाब से आते थे और वो बजाते थे, वो देख के बहुत अच्छा लगता था। हम लोग जब स्टार्ट करते थे तो पहले तो हाथ पे मतलब करना पड़ता था, बाद में जब ढोल बांधे तो थोड़े से यहाँ पे रैशेस आते थे, फिर बाद में जो आदत हो गई तो फिर कुछ नहीं। मेरा बेटा भी है, वो और मैं दोनों भी साथ में ही ज्वाइन किए थे पतक। लड़के के फ्रेंड लोग बोले तुम्हारी मम्मी भी बजाती है, लगती नहीं तुम्हारी मम्मी है करके। ड्यूरिंग कोविड इट वॉज टोटली ऑल स्टॉप फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, तो वो टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था एवरीवन वाज, क्योंकि हर संडे को हम लोग को इधर आना रहता था, या गणेश उत्सव के टाइम पे हम लोग को ये रहता था कि कब सदरा और कुर्ता और लहंगा पहने और हाथ में ढोल ऐसा लेके गणपति गणेश उत्सव के लिए जाए, पर वो टाइम कुछ भी नहीं था, सो इट वाज ऑल ब्रोकन एंड सब स्केड्यूल बदल गया था, ऐसे बोल सकते हो आप। हम वेट कर रहे थे, बहुत वेट कर रहे थे इस टाइम का, हम सोच भी नहीं सकते कि इतने सालों बाद हम अभी हम ढोल रहे, तो वो एनर्जी लेवल भी नेक्स्ट लेवल है और जो एक्साइटमेंट है वो भी नेक्स्ट लेवल है। ये तो प्रैक्टिस चलती है, लेकिन जब ही वादन में जाएंगे ऑफिशियली तो वो नशा अलग ही रहता है। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.